बिलाईगढ़ नगर पंचायत के शर्मा परिवार का जमीन विवाद अब तक थमा नहीं है। इस आधार पर पुराने भवन को तोड़ा गया है या जांच का विषय। मामले में न्याय की गुहार लगाने वाले सतीश शर्मा का कहना है कि वे भी वर्तमान में घरगोड़ा में रहते हैं। नगर पंचायत बिलाईगढ़ में उसके पृथक जमीन में बने पुराना भवन जो मुख्य मार्ग में था, उसे सुखी राम नामक एक व्यक्ति द्वारा जेसीबी से तोड़कर नए भवन का निर्माण चालू कर दिया गया। जानकारी के बाद एसडीएम से शिकायत की गई है। सतीश शर्मा का आरोप है कि भवन को तोड़ने वाले के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही न्याय न मिलने पर अपने परिवार समेत रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सर क्या है कि हम लोग का पैतृक मकान बिलाईगढ़ में है, यानी है, उसको तोड़ दिया गया है। दिसंबर में है, हमको सूचना मिली कि आपके मकान को आपने बेच दिया है। हम लोग बोले नहीं बेचे हैं करके, तो बोले नहीं आपने मकान बेच दिया, वहाँ तो आपका मकान को जेसीबी से सुखी राम खहरा ने तोड़ दिया है और वहाँ पे बीम बनाना चालू हो गया है। हम लोग तुरंत आए जाके देखे, तो उसके बाद हम पुणे इसकी शिकायत हमने पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई 22 दिसंबर को। तो उसके बाद में थानेदार ने कहा कि भाई ये एजीएम के पास में यानी वो केस है, तो हम लोग मैडम के पास गए। मैडम बोले कैसी ऐसी बात है मैडम, पूरे दस्तावेज हमारे पास में, ये देख लीजिए पूरे दस्तावेज हमारे पास में 1951 से वर्तमान समय तक का पूरा आरआई पटवारी तहसीलदार का पूरा कागज, टैक्स पटा है, बिजली बिल, राशन कार्ड पूरा है हमारे पास में। तो जो लेंटर वाला भाग था 73 फीट चौड़ाई हमारा, 13 फीट मेरे चाचा का पट्टा, 60 फीट में हमारा कच्चा मकान था, उसके पूरे दस्तावेज है हमारे पास में। सचिन शर्मा ने आवेदन दिया था कि उसके जमीन को एक संगम चौक बिलाईगढ़ में सुखीराम राकेश नाम का व्यक्ति तोड़ दिया है। इस संबंध में जांच की गई, जांच पर यह पाया गया कि उक्त जमीन राकेश शर्मा के नाम से दर्ज है और उसका कलेक्टर द्वारा पट्टा दिया गया है और उसकी पत्नी राकेश शर्मा की पत्नी कौशल्या शर्मा ने 1.5 माह पहले तो मौके पर आकर तोड़वा कर नया दुकान बनाने के लिए तोड़वाई थी और उसमें राकेश सुखी राम राकेश ने मजदूरी काम किया था, ये पाया गया। इस कारण उसमें सचिन शर्मा और सुखी राम राकेश के विरुद्ध पूर्व में प्रतिबंधक कार्रवाई कर बहुत बार कराया गया था। बीच में एसडीएम न्यायालय से एक पत्र आया था जिसमें एफआईआर दर्ज करने का था, चूंकि उसमें एफआईआर बनता नहीं है और सचिन शर्मा का किसी दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है उस जमीन में, वो जमीन है राकेश शर्मा कौशल्या का पति है और उनके द्वारा ही उसको तोड़वा कर नया मकान बनाया जा रहा था, लेकिन सचिन शर्मा ने उस आवेदन उसके निर्माणाधीन मकान में क्षतिग्रस्त मकान में जो तोड़ दिया गया है उसमें स्टे ऑर्डर करवाया है। ये भैया मैं पता चला, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो मकान आपका टूट गया करके सुखी कहरा ने तोड़वाया है ना, और उसके बाद मैं आके थाना में एफआईआर दर्ज कराया तो अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं है। 14 दिसंबर से मैं रिपोर्ट डाला हूँ और बाजू में सचिन शर्मा का है, मैं भतीजा का, दोनों को जेसीबी से सुखी राम कहरा ने तोड़वा दिया। हाँ, सुखी राम कहरा ने दोनों मकान को तोड़ा है। आपका और आपके भतीजा का? जी, आपके नाम से? मेरे नाम से पट्टा है जी। किसके कहने पे तोड़वाया है? अब ये तो बोलता है, पूछने थे भाई कि आपकी पत्नी के कहने में तोड़वाया हूँ, तो पट्टा जमीन है, मैं पत्नी का भी हक नहीं है, मैं तो उससे 12-13 साल से अलग रहता हूँ और पट्टा मेरे नाम से है। सर क्या है कि हम लोग का पैतृक मकान बिलाईगढ़ में है, यानी है, उसको तोड़ दिया गया है। दिसंबर में है, हमको सूचना मिली कि आपके मकान को आपने बेच दिया है। हम लोग बोले नहीं बेचे हैं।